उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जनपद में हुई एक घंटे झमाझम बारिश से नगर पालिका की पोल खुल गई। जी हाँ, बताते चलें, हमीरपुर मुख्यालय पूरा जलमग्न हो गया, जिसमें काशीराम कॉलोनी, पुलिस परेड ग्राउंड, तहसील ग्राउंड से तमाम जो स्थानों पर पूरा जलमग्न हो गया। यहाँ तक कि शहर की तमाम ऐसी सड़कें जो पानी से पूरी तरीके से लबालब भरी देखी गईं। ऐसी हुई दुर्दशा से स्थानीय लोगों में तमाम आक्रोश है। तो वहीं बताते चलें, काशीराम कॉलोनी में नीचे फ्लोर के सभी लोगों के खाने पीने की सामग्री सहित सारी सामग्री जलमग्न हो गई है। ऐसे लोगों के सामने बड़ा संकट गहराता जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी जिला प्रशासन किस प्रकार से मदद कर पाता है। भराव है, क्या है ये समस्या? देखिए, आज हमीरपुर नगर पालिका परिषद हमीरपुर के वार्ड नंबर 2 काशीराम कॉलोनी में भीषण बारिश के बाद इतना ज़्यादा जल भराव हो गया है। यहाँ पर मुझे दूरभाष द्वारा जानकारी मिली, मैं तुरंत यहाँ पर पहुँचा। यहाँ पर इतना ज़्यादा बारिश का पानी घरों में घुस गया है कि उनका राशन पानी सब पानी में डूब चुका है। पूर्ण रूप से उनके कपड़े डूब गए हैं, राशन डूब चुका है। ये समस्या पिछले 8-9 वर्षों से, और यह इतनी जटिल समस्या है कि लोगों को घर से निकलने में दिक्कत की परेशानी होती है। आधा आधा पानी, आधा आधा शरीर डूब गया है, 1 फुट के ऊपर पानी है इस समय। और यहाँ पर अगर पानी समस्या के लिए यहाँ पर एक बगल में नाला है, कैनाल टाइप का बनाया जाए, जिससे पानी स्टोर हो सके, कि जो पानी भरा है उस वाला पानी नाले में ट्रांसफर हो जाएगा, उससे पानी एक चैम्बर बन जाए, उससे यह समस्या होगी। यहाँ का जो आम जनमानस है, यहाँ पर त्राहिमाम मचा हुआ, इतना ज़्यादा परेशान है कि इस मूसलाधार थोड़ी सी ही बारिश होती है, उसमें आदमी का यहाँ का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, घर से निकलने में असमर्थ हो जाता है वो। हमीरपुर नगर पालिका द्वारा जो बड़े बड़े व्यवस्थाओं के वादे किए गए थे, उस पर क्या बोलेंगे? देखिए, हमीरपुर नगर पालिका का जो प्रस्ताव था, मैंने देखा था, उसका प्रस्ताव काशीराम कॉलोनी का 2 बार हुआ, पर 2 बार ही उनका खारिज हो गया। तीसरी बार मैं अभी यहाँ पर जितने भी हमारे यहाँ भाई बंधु खड़े हुए हैं, मैं कल इन सभी के साथ जिलाधिकारी महोदय को इस समस्या से अवगत कराऊंगा, जिलाधिकारी महोदय को पत्र दूंगा एवं संबंधित ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को भी भेजूंगा, क्योंकि यह पानी की समस्या इतनी जटिल समस्या है जिससे यहाँ के लोग बिल्कुल इतने अस्त व्यस्त जीवन हो गया। यहाँ बीमारी आ रही है, तरह तरह की बीमारियाँ फैल रही हैं पानी के कारण। तो मैं बस कुछ नहीं कहना चाहता, और मीडिया के मंच से भी यही कहना चाहता। समय से ये दिक्कतें आ रही हैं पानी, लगभग यहाँ के लोगों से मुझे जो जानकारी मिली, 7-8 वर्षों से ये पानी की समस्या है, जो लोगों के लिए एक विकराल रूप। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।